हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस प्रैक्टिकल सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिकल किया था वो लिस्ट से रिलेटेड थे, लिस्ट मेथड से, जिसमें हमने एक्सटेंड मेथड, इंडेक्स मेथड, इंसर्ट मेथड, पॉप मेथड, इसके अलावा रिमूव मेथड, रिवर्स मेथड और सॉर्ट मेथड। इसके बाद हमने टपल से रिलेटेड कुछ मेथड्स किए थे, जैसे लेन मेथड, मैक्स मेथड, मिन मेथड और टपल मेथड। आज हम डिक्शनरी से रिलेटेड करेंगे। आप डिक्शनरी में, जैसा कि हमने अभी थ्योरेटिकल सेशन में पढ़ा है, जो सबसे पहला है लेन मेथड, तो हम सबसे पहले डिक्शनरी बनाते हैं। मैंने क्या किया, एक डिक्ट नाम की डिक्शनरी बनाई, जिस पर मैंने सभी वैल्यू कर्ली ब्रेसेस में होंगी। सबसे पहले मैंने लिया नेम, मैंने यहाँ पे लिखा अजारा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप के हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, फिर मैंने कॉमा करके एज, देन कॉलन वैल्यू। हम जानते हैं कि जो कि डिक्शनरी हमेशा की और वैल्यू के पेयर में रहती है, तो एज 7, देन और क्लास। ओके, क्लासेस फर्स्ट, ओके फर्स्ट क्लास। हमने एक इसको बंद किया, देन अब हमने क्या किया, प्रिंट लेंथ, लेंथ ठीक है, हमें लेंथ पता करनी है। ठीक, कॉलन परसेंटेज डी इज फॉर द एक्सेस स्पेसिफायर एंड परसेंटेज लेन अडिक्ट। ठीक, देखिए तो लेंथ हमारे पास, चूंकि हमारे पास तीन की और तीन वैल्यूज हैं, सो हमें लेंथ यहाँ पर इसने बता दिया कि लेंथ आपकी डिक्शनरी की कितनी है। सेकेंड मेथड है आपका एसटीआर मेथड है, यानी हम चाहते हैं कि हमारी जो इस डिक्शनरी हो वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में नज़र आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केवल यहाँ पर हमारे पास डिक्शनरी ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर कर रखी है, ये तो चाहे तो आप इसे दोबारा ले सकते हैं। अब हमें प्रिंट करना है देन इक्विवेलेंट स्ट्रिंग, इक्विवेलेंट स्ट्रिंग, देन एंड परसेंटेज एस टी आर, देन डिक्ट। ओके, देखिए अब ये वैसे देखा जाए तो एक टपल फॉर्मेट्स में है, देखिए ठीक है, तो हमारी जो इक्विवेलेंट स्ट्रिंग्स है वो स्ट्रिंग एक फॉर्मेट पे है, मतलब एक दिस, देन टाइप, टाइप तो आपको मालूम ही है कि अगर मैंने डिक्ट ये ली है, ये हमारे पास डिक्शनरी है और हमें टाइप पता करना है किसका, डिक्ट का, तो बता देगा क्या, डिक्शनरी ठीक है, डिक्ट एंड डिक्ट टाइप, डिक्शनरी टाइप है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। जब हमने यहाँ पर डिक्ट ले रखा है, एक्चुअली ये डिक्ट एक फंक्शंस भी है होता है जो डिक्शनरी क्रिएट करने के काम करता है, तो हम डिक्ट ना भी लेके किसी और को भी नाम लेंगे तो भी आपको क्या कहते हैं वो, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया कि ए और इक्वल, ए इक्वल और मैंने एक ब्लैंक डिक्शनरी बना दी। अब मैंने लिखा